सवाल पूछा है, यंग लड़का है, कहने लगा मेरा कीर्तन सुन के अमृत लौट के माने के साथ जुड़ के जब से अमृत लट्टर से जुड़ा मेरा 32 माला मूल मंत्र का नियम हो गया था। 32 माला रोज भाव सवाल का मूल मंत्र महीने का, यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी कृपा होती है छोटी उम्र में ये नियम हो जाना। गुरु मेहर करे नियम और बढ़े, 100 माला 150 माला जितना गुरु करे, और 32 माला नियम भी बहुत अच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यानी कि 125,000 मूल मंत्र। कहने का अब हो क्या गया, अच्छा खासा नियम चल रहा था, मैं किसी लड़की के मुंह में फंस गया हूँ, मेरा नियम छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेन्युइन और नेचुरल प्रॉब्लम है ये, लड़की के मुंह में फंस गया हूँ, अब नेम छोड़ गया, अब 13 माला भी नहीं होती, क्या करूँ, कुछ करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे बातें करने में समय निकल जाता है, वो भी बातें करती रहती है, मैं भी बातें करते रहता हूँ, नित्य का टाइम नहीं मिलता। अब उसको ये तो बेटा आपके समझने की बात है, आपको पता चल गया है कि किस वजह से छूट रहे, मुँह में फंस गए हो, तो मुँह से उठना तो आपको ही है ना। गुरु नानक क्या आगे अरदास करो, नित्यनेम करने से पहले बात करो ही नहीं जब तक नित्यनेम खत्म नहीं हो जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम को प्रेफरेंस दो, ये मोह के बंधन है, बाद में बहुत दिल दुखेगा। जिस गुरु को छोड़ के मोह में फंसेंगे, नित्यनेम को छोड़ के, नित्यनेम को प्रेफरेंस दो, गुरु को प्रेफरेंस दो, गुरु को आगे रखो, नित्यनेम पहले, बाकी सब कुछ बाद में। चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई रूठे, चाहे कोई छोड़ के चला जाए, गुरु की बाह मत छोड़ो, जिसने हर दुख में काम आना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु को अरदास करो, ये हम सबके लिए है साथ संगत जी, लिखा उसने है पर हम सबके लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो गुरु को छोड़कर बाबा नंद सिंह जी के वचन है, नित्यनेम गुरु नानक की बाँ है, तो नित्यनेम मत छोड़, गुरु नानक तेरी बाँ नहीं छोड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी का नित्यनेम पक्का होना, उसके जीवन में दुख नहीं आते हैं, याद रखना, नहीं आते हैं। लोगों को लगेगा दुखी है, पर वो दुखी अंदर से नहीं होता, अंदर से वो तब दुखी होगा जिस दिन नित्यनेम छूटेगा, तब कलयुग का जोर पड़ता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, कलयुग का जोर पड़ता ही तब है जब नित्यनेम छूटता है। सबसे पहले कलयुग जोर लगाते हैं, नित्यनेम छूट जाए किसी तरह से इसका, और जब तक नित्यनेम नहीं छूटता कलयुग का कोई जोर नहीं चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम नित्यनेम में दृढ़ हैं, चाहे किसी का 2 बजे का नियम हो, चाहे 3 बजे का, चाहे 4 बजे का, पर अगर दृढ़ है ना, फिक्स है ना, फिक्स टाइम है ना, और वो कभी छोड़ता नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, सवाल बहुत सारे हैं बहुत सारे लोगों के, पर सारी बातों का एक ही जवाब है, एक ही जवाब, सर्व रोग का आख देना, 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 आख देना। बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो हंसी आती है पढ़ के, बीवी काबू में नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब कोई नेम बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बीवी बात नहीं मानती, कोई कहता है वो बात नहीं मानता,
हर आदमी अपनी बात मनवाना चाहता है, घर से बोलिए धन गुरु नानक, मानना कोई नहीं चाहता। ये तो बहुत छोटी सी बात है, जो चाहे कर सकता है, नाम जप कर जो चाहे इंसान पा सकता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा सुख नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं जो नाम जपने से प्राप्त न की जा सकती हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, अपना नितनेम बढ़ाओ, नाम से जुड़ो, एक दिन आएगा मन ही नहीं करेगा कोई बात सुने। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु ऐसी ऊंची अवस्था पे ले जाएगा कोई सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चों की फिक्र है, सही बात है, माता पिता को होती है, पर समय पे नहीं जोड़ा बच्चों को नाम से, इसलिए हालत है ना। हुन बते हर नाम ना बीजो अगे भूखा क्या खाए, सिंपल सी बात है। अगर आज कोई दुख झेल रहे हैं तो अपने कर्मों की वजह से है। किसी ने कर्म सिद्धांत को समझाने के लिए भी क्वेश्चन भेजा है, पर यह क्वेश्चन मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। वाणी में बेनती है कि जो कर्म सिद्धांत की बात कर रहे हैं, पिछले कर्मों के बारे में बताइए कैसे होता है, उनके चरणों में बेनती है कीर्तन ध्यान से सुने। कोई भी चालिया ले लें, उसमें दो तीन बार यह जवाब बड़ी डिटेल में दिया है, इसके लिए एक दो घंटे चाहिए होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सिंपल सी बात है। हुन बते हर नाम ने बीजियो अज्ञ भूखा क्या खाए। आज जो दुख झेल रहे हैं अपने गलत कर्मों की वजह से, आगे सुख चाहिए, गलत कर्म मत करो, नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नाम जप लो, आगे तो सुख ही सुख है। जो अमृत वेले उठ गए हैं, जो बैठे हैं, गुरु नानक ने बिठाया है, आगे तो सुख ही सुख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बशर्ते दो चीज़ों का ध्यान रख लें जो खास है, जो बार बार दास कहता है, क्योंकि दास इसलिए कहता है क्योंकि गुरु साहिब जी कहते हैं वाणी में कि दो चीज़ों का तो ध्यान रख ले, खास करके किसी का हक मत मार और किसी की निंदा मत कर, तेरा जपा हुआ नाम थाए पड़ जाए बस। ये दो पॉइंट बहुत मेन है, किसी का हक मार लेना, पैसे रख लेने किसी के, कई लोग इस वजह से बर्बाद हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये इतना बड़ा लिखा देना पड़ता है कि सब कुछ होते हुए भी आदमी दुखी रहता है। पैसा आ जाएगा और वो पैसा दुख लेके आएगा, क्लेश लेकर आएगा घर में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और निंदा पता ही है सबको, इन दो चीज़ों से अपने आप को बचाव कर लें और नाम नितनेम पक्का कर लें, दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, नितनेम पक्का, क्योंकि नितनेम ही ताकत देगा इन चीज़ों से बचने के लिए भी। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है नितनेम पक्का। बाबा अनंत सिंह जी से किसी ने सवाल किया था, बड़ा दुख है तो क्या करे, कहने लगे बड़ा दुख है तो बड़ा नितनेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जितनी जल्दी उठ सके रात को बैठ जाओ, अगर कोई बड़ा दुख आ गया है तो 12 बजे से बैठ जाओ, 10 बजे से बैठ जाओ, परिवार में जितने लोग हैं नितनेम में बैठ जाओ, नाम जपते जाओ, सुखमनी सब जी का पाठ रख लो, दुख खत्म हो जाएगा गुरु के हाथ में, वो चाहे क्षण में खत्म कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हजारों मैसेजेस, हजारों गिनती नहीं है जो लोग बताते हैं कि अमृत वेले की वजह से क्या क्या हुआ हमारे साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि जीवन बदल गया, सोच बदल गई, पॉजिटिवनेस हो गई, दुख दुख महसूस नहीं होता, किसी का कहा बुरा नहीं लगता, अब क्यों, नितनेम पक्का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, नितनेम संभालो, ये जो कथा सुनते हैं सेवा संभालो, गुरु नानक मेहर करे हम सब नितनेम संभालें, हम सब सेवा संभालें, गुरु की शरण में बैठे और इन अवस्थाओं के बारे में बात करें। नाम जपो, नाम जपो, नाम में सारे दुखों का इलाज है, सर्व रोग, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, चाहे घर का कलेश हो, चाहे कोई बात नहीं मान रहा हो, या कुछ भी हो, सर्व रोग का औखद नाम, नाम जप लो, सुखी हो जाओगे,
मेरे नाम है जब कमला फिरे। हैरानी की बात तो ये, वो कहते हैं कि कुछ बताओ क्यों उन्हें नाम जपते ही नहीं। मैंने कह के रखा है कि कोई अगर ये कहे ना कि अमृत तो ले नहीं उठता फिर आके बताए दुख है, तो मुझे मेरे पास आने ही मत दो। मेरे पास वही आए जो कहे कि मैं अमृत लौटता हूँ फिर भी दुख नहीं खत्म हो रहा, फिर वो जायज बात है। जो उठता ही नहीं, नाम जपता ही नहीं, फिर आके कहता है दुखी, उसको तो दुखी होना ही होना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेम पक्का हो, अमृत वेला संभालता हो, छूटता ना हो, निंदा करते ना हो, किसी का हक मारा ना हो, फिर तकलीफ दूर ना हो, फिर आके पूछना जायज है कि भाई साहब हमने आपने जो जो कहा बाबा नंद सिंह जी के वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, अब क्यों ऐसा हो रहा है, वो जायज है पूछना। और अगर ये सब है अपने अंदर फिर पूछना तो नाजायज है ना। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करिए मैनू अपनी सेवा विच लाओ, मैनू अपनी सेवा विच लाओ, मैनू अपनी सेवा विच लाओ, मैनू अपनी सेवा विच लाओ। मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी, मेरे